फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रेट कोरोना वॉरियर्स को पुष्प भेंट करते हुए उनका हृदय से सम्मान करना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे सदा सुखी रहें, क्योंकि उन्होंने जनता की बड़ी सेवा करी है, देश का नाम रोशन किया है। आज जब सुबह मैं उठा तो भगवान आदित्य नारायण ने मुझे प्रेरणा दी और पीपल के वृक्ष ने, जिनमें नई कोपलें आ गईं, उन्होंने मुझे प्रातःकाल बहुत बड़ा संदेश दिया। आई कांट बिलीव इट कि जिन शाखाओं में पत्तियां नहीं थी उनमें पत्तियां आ गईं। पक्षियों ने मुझे संदेश दिया, उन्होंने मुझे संदेश दिया, बेटा निरंजन, जब कभी दुख और परेशानियां आती हैं तो उसके बाद एक नया सवेरा भी आता है, और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा नियम जो बना रखा है। दुनिया में व्याप्त COVID-19 एक ऐसी महामारी है जो किसी को नहीं छोड़ती, तब हमें ये पक्षी कुछ प्रेरणा दे जाते हैं, ये हमें समझाते हैं कि देखो सोशल डिस्टेंस हम सबकी जीवन रक्षा के लिए परम अनिवार्य है। अगर हम सामाजिक दूरियां बना लें तो संभवतः महीने, दो महीने, तीन महीने में हम इस महामारी से निजात पा लेंगे, और अगर हम ही सचेत हो गए तो सारा संसार एक बार फिर से खेल उठेगा। महामारी के काल में मैं जितना उदास, जितना परेशान और जितना संवेदनशील हुआ, इन पक्षियों ने मुझे बहुत सहारा दिया। आज 2 मई 2020 मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा, क्योंकि कल से 2.0 लॉकडाउन खत्म होगा और 4 मई से फिर से 14 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन 3.0 आरंभ हो जाएगा। और ये सोशल डिस्टेंसिंग जब हमें पक्षी सिखा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं पक्षी की, हम भी इसी तरह मुक्त गगन में विचरण करेंगे, यानी हम स्वतंत्रता पूर्वक अपना सामान्य जनजीवन आरंभ कर देंगे। जहां रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बना रखा है, वहां कोई जोन नहीं होगा, वहां हम होंगे, हमारे साथ हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमको प्रेरणा देगी। और आज की सुबह जब मैं पूरी रात जाग करके बहुत बीमार पड़ गया, तो मैंने किसी को उठाया नहीं, किसी को परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अपनी छत पर चला गया। भोर मैंने पक्षियों के कलरव और प्रकृति के सानिध्य
कुछ ऐसा महसूस किया कि जिंदगी अभी बाकी है, संयम और धैर्य, आत्मबल बनाए रखो, एक नया सवेरा अवश्य आएगा। और मैं देख रहा हूं कि मुझे भगवान आदित्य नारायण जी ने एहसास करा दिया और पक्षियों ने अपने कलरव से यह अनुभूति करा दी कि जीवन अभी शेष है। रात जागना किसी बड़ी बीमारी का द्योतक नहीं है, लेकिन परेशानी तो हुई थी, घबरा गया था बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मैं आज सार्वजनिक रूप से शेयर करते हुए अपने आप को छोटा नहीं समझ रहा हूं। पर आज की सुबह प्रकृति के सानिध्य मैंने सीख लिया, जीवन बहुत अमूल्य है, धैर्य और संयम के साथ इसे जीना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना को हराना है और आत्म संयम बनाए रखना है। नमस्कार, जय हिंद।